ये देखो गाइस, आज इंट्रो से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सी चीजें अपडेट देना चाहता हूँ। अपना एक्वेरियम बिल्कुल खाली है, ये इसलिए क्योंकि मैं इसको साइकिल पे छोड़ा हुआ है। बट जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसके अंदर हम हंट करेंगे अपनी फिशेज के लिए और फिर डालेंगे इसके अंदर और फिशेज। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो मोलीज का है, तो भाई कुछ मोलीज तो मैंने किसी को डोनेट कर दी, मतलब डोनेट एज ए सेंस मैंने मतलब कि एडॉप्शन के लिए दे दी, ठीक है। और कुछ अपने पीछे वाले पॉड में है, तो वो भी मैं शायद शिफ्ट करूंगा क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है, वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं रहेगी। इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रुचित पगाल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। भाई ताजी बात ये है कि मानू गई हुई है बात, मतलब आप सबको पता, आपने पिछला ब्लॉग देखा था कि मानू गई हुई है कॉलेज में, मतलब बात क्या, पहली बार वो घर से बाहर गई है तो सब इमोशनल हुए हुए हैं। पर इस चीज को एक साइड रख के मैं आप लोगों से ब्लॉग में बात कर रहा हूँ। कई दिनों से मैं क्यों नहीं आ पाया ब्लॉग में यार, वो मैं रीजन थी कि बाहर था मैं, बट अब आप लोगों को इस शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब अपडेट आपको मिलती रहेगी हर चीज की, ठीक है। ये बीच में टाइम था महीने डेढ़ महीने का जो मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था, बट अब नहीं होंगे, अब वापस कंटिन्यू हो चुके हैं। और टेल्स ऑफ थोर एंड हेला वापस मैंने ले लिया है, मानू भी डालेगी बट मैंने ले लिया क्योंकि मानू उस चीज को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, और वो थोर मेरी आवाज सुन रही थी, बोल रहे मुझे भी ऊपर आना है। वो बैलेंस क्यों नहीं कर पा रही थी भाई, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी अभी वो छोटी बच्ची है यार, अभी वो बाहर गई है। चलो आप बाहर का मौसम भी देख लेते हैं, एक सेकंड मौसम देख लेते हैं। रवि अंकल ने भी अपना काम वगैरह करा लिया घर का, सही है, अच्छा लग रहा है सारी चीजें। और अब देखो कितनी साफ सुथरी जगह हो गई है, ये देखो अपना पेड़ ऊपर से तो एक नंबर लगाए। हाँ अब आगे अब आई बात कि मानू क्यों नहीं कर पा रही थी, एक तो वहाँ पे मानू जा कॉलेज में गई हुई है, एक तो वहाँ पे वाईफाई का इशू है, वहाँ वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा, और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो इसमें यही सीन होता है भाई। वो कह रहे हैं कि चलेगा थोड़े दिन रुक जाओ, उस चक्कर में ना तो उसके मोबाइल डाटा पे इतनी मतलब वहाँ पे रेंज आ रही कि इससे अपलोड हो जाए वीडियोस, दूसरा अभी उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा वहाँ की कॉलेज लाइफ, पढ़ाई और फिर वीडियोस। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं बहन, टेंशन ना ले, मैं संभालूंगा। अब 1 तारीख से उस चैनल पे भी प्रॉपर वीडियोस आने लग जाएगी, और उसके लिए आप लोग खुश हो जाओ बस। और जिसको नहीं पता कि थोर और हेला का अलग से चैनल भी है, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेल्स ऑफ थोर एंड हेला, जरूर चेकआउट करना। और 10K सब्सक्राइबर होने वाले उस पे, तो जाओ अपना एक योगदान दो, और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन हुआ उसकी मुक्के मार मार ठोक दो, जितना गुस्सा आपको आया ना जब मैंने व्लॉग नहीं डाले, ठीक है, अभी बीच में वो सारा गुस्सा उस सब्सक्राइब बटन पे निकालो। अभी देंगे तेरे को, देख रहे तू बेटे, तेरे को भी एग चाहिए, अरे मैं अंडे छील रहा हूँ तो हेला देख रही है। मम्मी कैसा लग रहा है मानू के बगैर? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा मम्मी लग रहा है। खैर हेला भी मानू के तो सबसे बड़ी चमची है, ये देख रही है, ये मानू बुला के वीडियो कॉल पे पूरा थोर और मानू हेला वीडियो कॉल पे देख रहे थे, और हेला तो मानू की बहुत बड़ी चमची है ना, तो फिर ये देख रही है कि मानू ने मुझे अभी तक बुलाया क्यों नहीं अभी तक। हेलो हेलो हेलो, तेरे एग मैं देता हूँ तेरे को, मेरे बेटे को मैं बेटू के भी देता हूँ, ऐसे ही बोलते थे आप मम्मी। अरे मैं उसको समझाने के साथ, लेकिन आज उसने वाकई में जो मेरे गुण थे वो देखे, उसका कैसे कितना बढ़िया सिस्टम सेट करे अपना, मैं वो ये था कि सफाई सफाई कितना बढ़िया तरीके से अपना रूम सेट करे। तो खुश हो अब? तो खुशी भी है दुख भी है, मैं कभी गलत अलग रही नहीं ना, पहली बार ही छोड़ा उसको आज तक, कभी अकेला उसको छोड़े। चलो ये तो मेरे पूछ, तू अपनी बता ना, तेरा क्या तेरा खुद का क्या है? कोई थोर के रखे हुए हैं तो उसमें मैंने मेरे में से येलो पार्ट में खाता नहीं था, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो हेलो खाती है, उसको येलो पार्ट पसंद है, ये ले खा लो बेटा।
थोड़ा सा खाएगी, ज्यादा नहीं खाती है, थोड़ा सा मुंह पे लगा लेती है, इसमें खुश हो जाती है। और भाई मानो के बगैर बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही होने की काम नहीं होता, काम तुम तो सब करता है भाई, बट वो है ना छोटी सी बच्ची कभी बाहर गई नहीं, और इससे पहले मैं बोल नहीं पाया था तो इसलिए मैंने क्लिप बंद कर दी थी, पर होता तो भाई वो पूरा दिन खेलते रहते थे, कुछ ना कुछ हम लड़ते रहते थे, वो तो बड़ी नहीं। चलो काम कर रहे हैं, मैं फिर मार्ट करता हूँ। दोस्तों ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कई दिनों बाद, आप देख रहे होंगे चैनल पे वीडियो नहीं आ रही, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बट अब मैं वापस घर आ गया हूँ और अब व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ और थोरन हेला का रिएक्शन देखेंगे। जस्ट अभी पहुंचा हूँ मैं, वो बैग वहाँ रखा हुआ है। चलो हेलो मेरे को कई दिन हो गए ना मेरे भाई। हेलो हाँ थरू, हाँ गलती हो गई भाई, गया था बिना बताए चला गया, सॉरी 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 सॉरी। हेलो ठीक है बेटू, ठीक ठीक है, कौन आ गया आज तो है लवी मिलने। हाँ मेरे भाई, अच्छा ये बहुत तकड़ा लगा था अभी मेरे मुंह पे। हाँ आ गया मेरे भाई, आ गया आ गया आ गया, इधर आ जा भाई। बोल धमका रहा है ये, हाँ दरू हाँ 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 भाई। चलो भाई मैं अभी अब थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ और कपड़े कपड़े चेंज करता हूँ, खाना खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। हेलो हेलो को भी मानू की याद आ रही है बहुत ज्यादा, थोरू को भी आ रही है, थोरू एक्चुअली थोरू तो मेरे साथ ही सबसे ज्यादा अटैच ये ना सही में तो मेरे साथ है, बताओ जब भी मैं वहां से आता हूँ तो पागल हो जाता है मेरे से मिलने के लिए। पापा ने भी ये बात कही, जितने अच्छे तरीके से मेरे साथ मिलता है ना उतने अच्छी तरीके से किसी के साथ नहीं मिलता। और मम्मी भी पूरी नाराज नाराज कह रहा हूँ, इमोशनल हो गई है, मानू की याद आ रही है मम्मी को भी। क्या मम्मी है बताओ सर, हो जाता है यार ऐसे, आती है यार तो किसी बात है कभी भी इतनी दूर नहीं भेजा ना उसको, तो बहुत मुश्किल है ये चीज। मम्मी ऐसे ही सीखते हैं बच्चे, बाहर जाएगी सब सीखेगी, दुनियादारी पता चलेगा, हर चीज का पता चलेगा, घर बैठे रहते तो क्या पता चलता, सही बात है नहीं है ना। ऐसे ही बस अच्छी तरीके से रहो, मेन बात तो यही है, पर कोई नहीं, चलो आने वाली अब तो दिवाली पे आएगी वो, दो तारीख को आ जाएगी फिर और व्लॉग्स में आएगी वो। और अब ना उसको मैं कहता हूँ कि बहन तेरे एडिशन का भी व्लॉग बना, कि मानू को पहला दिन कैसा लगा वहां पे, कैसा कैसा माहौल था, हॉस्टल कैसा है, सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है, तो मैं उसको फोन कर देता हूँ वो बना देगा। ये दोनों पूरा खेलते हैं इस टाइम, मम्मी बताई थी, बताना पूरा मस्ती में छेड़ती है इसको इस टाइम, वो छेड़ती है जड़ बूझ के, दोनों खेल रहे इस टाइम। आ गया बोल लिया है, फोर पांच कर लिया, किस बोल का शौक चढ़ रहे हो रोज, ये ना नई नई चीजें करता ही रहता है अपना माहौल बनाने के लिए। थोड़ा हेलो को क्या छोड़ के वो दिख 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 कुछ में घुस गई, क्या देख रही है लो क्या कर रही है ये ये इस घर में नहीं घुसती, ये इसका घर बनाया हुआ है इसने। वाह
दिखे से गुप्त थोरू आ गया तू भी ये इसमें रहते हुए इसने ये घर बना लिया अपना। चलो भाई इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।